नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लातेहार बालूमाथ प्रखंड के सेमरसोत गांव में आजादी ले 75 साल से सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज सरसोत के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया। इसको लेकर सेमरसोत गांव में आक्रोश जताते हुए ग्रामीण धनेश्वरी देवी, सुनीता देवी, देवंती देवी, बिगन गंजू, नीलेश गंजू, मुरारी गंजू, तुनेश्वर गंजू, शांति देवी, लीलू देवी, मीना देवी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आने जाने वाले सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है। आजादी के बाद से गांव में एक पक्की सड़क नहीं बनना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। सेमरसोत से बालूमाथ या कहें प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां अधिकांश आबादी गंजू जाति के लोगों की है, जिसमें अधिकांश ग्रामीण का जीवन यापन मजदूरी कर चलता है। बरसात के दिनों में इस सड़क पर चलना हाथी को माला पहनाने के बराबर है। मुख्य सड़क की स्थिति कई वर्षों से जर्जर है। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे को बुलंद करते हुए कहा है कि बालूमाथ से सेमरसोत तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण आज के दौर में किसी भी सांसद और विधायक ने सेमरसोत के ग्रामीणों से लेकर गांव के विकास के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप यहां के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सांसद, विधायक या अधिकारी सेमरसोत गांव के जर्जर सड़क के निर्माण जब तक नहीं किया जाता तब तक इस बार बूथ नंबर 104 में एक भी ग्रामीण वोट नहीं डाला जाएगा। सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि चलने वाले ग्रामीण भी अपने आप को कोसते हैं। आखिर किस जन के अभिशाप उन्हें लगा है, किसी सांसद, विधायक, कोई वरीय अधिकारी की नजर आज तक नहीं गई। फलस्वरूप आज भी यहां के ग्रामीण एक सड़क के बिना ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसके कारण वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। बारिश के दिनों में बालूमाथ से सरसोत जाने के लिए आवागमन बाधित हो जाता है। देखिए, आज आजाद हुए हमारा देश का 77 साल हो गया है, लेकिन विकास तो हुआ, लेकिन हमारे गांव में विकास नहीं हुआ। केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना चला, जैसे पीएम आवास, बिजली और नल जल योजना हुआ, लेकिन मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, रोड, वो नहीं हुआ। कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही गांव का विकास का पता चलता है, और वो नहीं हुआ है। अभी हमारे गांव में बारिश के मौसम में जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसके यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है, और उसको खटिया के माध्यम से हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। तो ऐसा स्थिति है आजादी होने के बाद भी, तो ये हमारे लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग ऐसा स्थिति में गुजर रहे हैं, फिर भी कोई भी विधायक सांसद आज तक हम लोग को संज्ञान में नहीं लिया है, और यहाँ के लोकल प्रशासन, जिला प्रशासन भी मौन है। इम्पोर्टेंट बात कि हमारा गांव आदर्श गांव भी घोषित हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के शासनकाल में भी हमारा गांव उसके गोद में चला गया था, फिर भी उसके नाम से कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग चाहेंगे अभी प्रशासन से कि अभी जो जेन्युइन समस्या है रोड, वो रोड बनना चाहिए, और नहीं तो हम लोग इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग सोच लिए हैं इस गांव के लोग कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और आने वाला 20 मई को वोट जब भी होगा, हम लोग वोट के दिन वोट तो देंगे लेकिन नोटा बटन दबा के वोट देंगे। धन्यवाद। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।